अगर आप भी अपनी इमेज या फोटो को एडिट करना चाहते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं या उसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं बगैर किसी सॉफ्टवेयर के यूज़ करते हुए या बगैर फोटोशॉप को यूज़ करते हुए, तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से किसी भी इमेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उस बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं या आप उसको फोटो को एडिट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ज़रा भी स्किप ना करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन में आ गए हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सैम्पल इमेज है जो कि हमने वीडियो में दिखाई है, जिसका हमने बैकग्राउंड जो है वो चेंज किया है और इसमें थोड़ी सी एडिटिंग की थी और बैकग्राउंड रिमूव किया था टोटली। तो इन सब के लिए आपने सबसे पहले अपने वेब ब्राउज़र को ओपन करना है और वहाँ पे सर्च बार पे आपने टाइप करना है remove.bg और एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे इस सेक्शन में आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल। अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं तो वहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल है, अदरवाइज आप अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और अपनी फाइल जो है उसको उसकी लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। ये थोड़ी सी लोडिंग लेगी अपलोड के लिए, उसके बाद ये बैकग्राउंड मूव कर देगी उसी इमेज का फौरन। तो अगर आपने इसी तरह इसको डाउनलोड करना है PNG फाइल में बैकग्राउंड रिमूव करते हुए, ठीक है, तो आपने इस ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करना है। तो इसमें जो है आपको क्वालिटी का थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो नीचे HD डाउनलोड लिंक जो है पेड सब्सक्रिप्शन के लिए है। अगर आपने बाय किया है इनकी सब्सक्रिप्शन को तो आप HD डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये पिक्चर जो है वो PNG फॉर्मेट में दे देगा। थोड़ी सी क्वालिटी जो होगी उसकी नॉर्मल होगी। तो फाइल इंफॉर्मेशन में हम देखेंगे तो ये 254 KB की है फाइल। इसके बाद अगर आपने कुछ फिल्टर अप्लाई करने हैं, इसके बैकग्राउंड अप्लाई करने हैं, तो एडिट वाले सेक्शन में जाना है और स्क्रॉल डाउन करना है। इसमें इनके डिफॉल्ट जो हैं बैकग्राउंड मौजूद हैं तो आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने मल्टीपल डाउनलोड करने हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे और साथ साथ इसको डाउनलोड करते जाएंगे। तो मैंने एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया तो ये अप्लाई हो गया और इसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो इसके बाद अगर हम इसमें ब्लर इसको करना चाहते हैं बैकग्राउंड को, तो ये भी अवेलेबल है ऊपर वाले सेक्शन में। तो ये हम सेकेंड वाले पे क्लिक करेंगे तो इसमें नॉर्मल ब्लर हो जाएगा, जिस तरह एक DSLR कैमरे में होता है ब्लर। इसके बाद अगर हाई ब्लर करना चाहते हैं तो उसके ऑप्शन भी हैं आपके पास, तो लेकिन हम नॉर्मल के साथ इसको डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड पे क्लिक करना है तो डाउनलोड लिंक जो है वो प्रिपेयर होगा। उसके बाद इमेज डाउनलोड पे क्लिक करना है तो ये आपकी इमेज जो है वो न्यू बैकग्राउंड के साथ वो डाउनलोड हो जाएगी। इसकी हम अगर क्वालिटी की बात करें तो इमेज जो है वो 387.9 KB की है, जो कि काफ़ी हद तक अच्छी क्वालिटी है। तो इसी तरह आप अपने बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और बैकग्राउंड एडिट कर सकते हैं इसी वेबसाइट के थ्रू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।